बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल हिना क्रिएशन 2। वीवर्स, आज हम आपको एक सिंपल बहुत आसान सूट की कटिंग सिखाएंगे। ये एक अम्मा का सूट है, ये बिल्कुल सिंपल हम बनाएंगे। वीवर्स, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट्स में आप जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगेगी। वीवर्स, ये शलवार है, इसकी हमने पैमाइश लेनी है। वीवर्स, इसकी लेंथ लेंगे हम। अगर आप चाहें तो आप शलवार से भी नाप सकते हैं, अगर आप इंच टेप का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वीवर्स, आज जुम्मे का दिन है, अपनी दुआओं में खास याद रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। वीवर्स, इसकी हमने लंबाई तकरीबन ली है, ये हमने ली है तकरीबन 33 इंचेस की इसकी लंबाई ली है। हम इसको, ये हमें सिली हुई इतनी होनी चाहिए, ये हमारी पैमाइश इतनी हो जब ये सिल जाए, तो ये हम कटिंग करते हुए इससे ज्यादा लेंगे। अगर आपने पाइचा इसी के साथ ही मोड़ना है तो आपने उसकी पैमाइश इसमें रखनी है, अगर अलग से आपने पट्टी पर लगाना है तो फिर आप थोड़ा सा और कम रख सकते हैं। वीवर्स, ये देखें, ये 33 हमने इसकी लंबाई लेनी, इसकी तैयार, इसकी जो पैमाइश है वो 33 है। हम इसको बढ़ाकर तकरीबन रखेंगे, ये 2 इंच हम इसका लेंगे पाइचों का, और 2 इंच तकरीबन हम लेंगे इसकी नेफे में जो हमने लेना है उसका। हम इसकी तकरीबन 38 इंचेस की इसकी पैमाइश लेंगे। ये वीवर्स, हमने इसको डबल किया, ये इसको हम यहां से कट कर देंगे। वीवर्स, ये देखें, ये हमने लिया है, अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। ये हम शलवार से नापेंगे इसको हमने कितना रखना है, ये इसकी आसन का साइज लेंगे हम। इंची टेप से हम इसको देखें कितनी है, ये तकरीबन 17 इंचेस की इसकी ये आसन रखेंगे हम, आसन की चौड़ाई रखेंगे। वीवर्स, ये 17 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है ऊपर से आसन वाली जगह की, और ये नेफे का साइज भी इतना ही है तकरीबन। वीवर्स, ये कटिंग वाली जगह हम ऊपर नेफे में रखेंगे नीचे से, ताकि हम अगर काटें पाइचे वाली साइड से तो हमारे पास सीधा कपड़ा बचे पूरा। वीवर्स, ये इसके पाइचे का साइज है, ये हम तकरीबन 7 से 8 इंच तकरीबन है, ये हम इससे थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे। ये तकरीबन हम 9 इंचेस का रख देते हैं, आगे ये सिलाई में हो जाएगा।
स्लीवर्स ये इसकी रुमाली का साइज है। ये देखें, ये हमने नेफे का हक छोड़कर फिर इसको रखना है, इसको कटिंग करना है। इतनी हमें ये तैयार चाहिए। हम इसकी लेंथ लेंगे तकरीबन, ये हमने रखी है तकरीबन 15 इंचेस की है ये इसकी। हम इसको रखेंगे तकरीबन 15, ये 16 इंच की है। हम इसको 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। ये व्यूवर्स तकरीबन 18 इंचेस की हम इसकी ये रखेंगे लंबाई। इसका हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने इसको 19 इंचेस ही रख लिया। वीवर्स अक्सर हमारे पास अगर कपड़े आते हैं, सिलाई जो करती हैं ख्वातीन, उनके लिए जो ये अगर नाप का सूट आता है तो हम उसको इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी की पैमाइश लेकर उसको कट कर सकते हैं। वीवर्स ये देखें, ये हम शलवार का जो पोंचा है वो हम इधर से रखकर और फिर इसकी आसन के साथ इसको काटेंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हमने इसको कट कर देना है। ये व्यूवर्स इस शेप का हम काटेंगे। व्यूवर्स आपको बहुत आसान तरीके से हम ये समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। व्यूवर्स हम यहां से लेकर इसको यहां तक कट कर देते हैं। इसको आप चाहें तो गुलाई वाली शेप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीधा रेब में भी लेकर जा सकते हैं। ये हमने आड़ा काटा है, ये हल्की सी गुलाई आगे से की है। व्यूवर्स ये देखें, ये हमारे पास सीधा कपड़ा बचा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अभी कट नहीं किया, इसको हम कट करेंगे बाद में। ये आपके पास सीधा कपड़ा बच जाता है अगर इस तरह से हम शलवार काटें तो, ये काफी बच जाता है। व्यूवर्स ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। ये देखें, ये इधर से ऊपर से नेफा मुड़ जाएगा तो ये पूरी परफेक्ट उसकी शलवार होगी। ये हमने थोड़ा थोड़ा साइडों से कट कर लिया। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने शलवार काट ली। अब हम आपको इसकी कमीज का बताएंगे कटिंग करना। व्यूअर्स ये बहुत आसान कटिंग आपको बताई है। अगर आपके पास इसका बर कम है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जोड़ भी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास कम कपड़ा हुआ तो हम आपको जरूर वो वाली कटिंग भी सिखाएंगे। व्यूअर्स ये है इसकी कमीज का कपड़ा, ये इसकी बैक साइड और इसके बाजू हैं। हम इसको बाजू को अलग कर लेंगे इसमें से। ये देखें, ये बाजू हैं, ये हमने इधर से कटिंग करना है इसको। ये इसके बाजू व्यूवर्स हमने अलग कर लिए। ये इसको हम बाद में कटिंग करते हैं, पहले आपको हम कमीज का बताते हैं। ये इसकी बैक साइड है, आगे का हमने इसका अलग कर लिया है। ये एक अम्मा का सूट है, कद उनका थोड़ा छोटा सा है तो हम उसकी लंबाई आपको बताते हैं जितनी रखनी है। हम नीचे से बॉर्डर इसका कट नहीं करेंगे,
हम ऊपर वाला हिस्सा इसका कट कर देंगे ताकि बॉर्डर सही आए। ये व्यूवर्स इसको पहले सेट करके रखते हैं, इसको सीधा करके रखते हैं, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हैं। ये व्यूवर्स आपको बहुत आसान तरीके से कटिंग सिखा रहे हैं। ये हमने रखा, ये अम्मा का सूट है, ये हम इसकी कमीज का साइज लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर रख के भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इंची टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। व्यूअर्स ये पैमाइश लेते हैं हम इसकी, ये तकरीबन 34 इंचेस कि इसकी पैमाइश हमें तैयार चाहिए। हम इसको तकरीबन 2 इंचेस बड़ा रखेंगे ताकि नीचे से कटिंग में और सिलाई में आ जाएगा तो ये आपको पूरा हो जाएगा। ये हम 33 इंच से 2 इंच बड़ा रखकर आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये इसका हमने निशान लगाया है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। पहले हम नीचे से इसके घेर का साइज लेंगे, इसका दामन देखें जितना है उससे हमने 2 इंच बड़ा रखना है। ये देखें व्यूवर्स, ये हम तकरीबन रखेंगे 21 इंचेस का है, हम ये 2 इंच इससे बड़ा रखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हम इसके निशान लगा लेंगे ये 12-12 इंच के साथ। इससे आपका कपड़ा जाया नहीं होगा। पहले हम सिर्फ पीछे का पीस कटिंग कर देंगे और पीछे की आपको कटिंग बता देते हैं। पीछे की करने के बाद आप फिर ऊपर वाला हिस्सा आगे वाला इसके ऊपर रखकर काटेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। व्यूअर्स, ये 12-12 इंच के हिसाब से हम इसको निशान लगाते जाएंगे ताकि आपको कटिंग में मुश्किल ना हो। ये व्यूवर्स इसकी बैक साइड है, ये जो हमने निशान लगाया था इसकी लेंथ का, हम ये यहां तक इसको तकरीबन 12 इंच के हिसाब से पूरी लंबाई में कट कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये इसकी ये लंबाई है, ये हमने 12 इंच के हिसाब से इसको कट करना है। इस तरह करने से आपका पूरा सीधा कपड़ा ज्यादा बचेगा, जो आप अपने बेबी का भी फ्रॉक बना सकते हैं, कुछ किसी और इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये हम इसको सीधा काट देंगे। व्यूअर्स, हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हम आपके लिए जरूर लेकर हाजिर होंगे। व्यूअर्स, ये हमने काट लिया इसको, ये इसका पीछे का हिस्सा तैयार हो गया।
रिवर दिए इसके ऊपर हम कमीज रखकर और फिर इसका साइज ले लेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा इंची टेप से भी ले सकते हैं इसका नाप, लेकिन अगर हम ऐसे रख के बनाएंगे तो ये और इजी होगा, लेकिन हम इसे खोल कर रखें पूरा ताकि कोई ये छोटा बड़ा ना हो। व्यूअर्स, इस कमीज को आप पूरा सेट करके रखें अगर आपने कमीज के नाप से बनाना है तो। अगर आप चाहें तो इंची टेप से भी आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके शोल्डर का साइज लेते हैं। रिवर दिया हमने इसका शोल्डर इतना रखना है। इसका आर्म होल काटेंगे और ये देखें रिवर, आप चाहें तो इसे सिलाई इसके साथ निशान लगा सकते हैं। रिवर इसका आर्म होल काटेंगे अब हम। ये हम थोड़ा सा इससे ज्यादा रखेंगे ताकि सिलाई करने में मुश्किल ना हो। ये हम इसका आर्म होल काटेंगे। ये इसके शोल्डर का साइज हम थोड़ा सा इसको आड़ा काटेंगे ताकि आपकी शेप ठीक आए। व्यूवर्स, इसकी हमने गुलाई नहीं की, ये हम चौक का साइज लगा रहे हैं। इसको हम यहां से थोड़ा सा सीधा रखा है क्योंकि इस अम्मा की जेब लगानी है, इसमें पॉकेट बनेगी, तो इसके हिसाब से हमने ये सीधा रखा है। ये देखें, ये पॉकेट इसमें लगानी है हमने। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान आपको ये आइडिया दे रहे हैं कटिंग का, बहुत आसान, बहुत इधर। ये इसकी फ्रंट साइज है, ये बाजू है इसके, ये रख देते हैं। इसका फ्रंट का हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये हम सीधा करके रखकर फिर पीछे वाले हिस्से को इसके ऊपर रखकर फिर आपको उसकी कटिंग दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये इसके पीछे का हिस्सा है, हम इसके ऊपर ही ये आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा रख देंगे। और ये देखें, आप इसी के साथ इसको हम काट देंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी कटिंग में। ये व्हाइट वाला हिस्सा हम थोड़ा सा काट देंगे क्योंकि ये अजीब लगता है। ये व्यूअर्स, बिल्कुल इसी के साथ रखकर हम ये इसकी कटिंग कर देंगे। ये व्यूअर्स, हम इसको अब इसी के ऊपर रखकर ऐसे ही बिल्कुल इसी नाप का हम इसको काट देते हैं।
ये व्हाइट वाला हिस्सा भी हमने कट कर दिया। अभी हम इसको आर्म होल काटेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने काट दिया। इसका हमने नेक लाइन काटना है। ये हम शोल्डर का हिसाब रखेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये हम इसको दोनों हिस्सों को भी हम सिर्फ पीछे वाले हिस्से का साइज से काटेंगे, आगे वाले हिस्से को हम थोड़ा सा डीप कर देंगे। ये इसकी नेक लाइन थोड़ी सी ज्यादा कर देंगे। ये देखें आर्म होल को हम आगे से थोड़ा सा, तकरीबन 1 इंच के हिसाब से थोड़ा सा काट देंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने कटिंग कर लिया। इससे हमारा कपड़ा जाया नहीं होता अगर हम इस तरह से काटें तो। ये इसके बाजू हैं। ये नाप के हिसाब से थोड़े बड़े हैं। ये हमने इस नाप के रखने हैं व्यूवर्स। ये देखें, इसकी थोड़ा सा हम ये बढ़ाकर रखेंगे ताकि मुड़ जाएगा ये, तो फिर पूरा आपका बाजू बनेगा। इसकी पैमाइश थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे हम। ये व्यूवर्स, अब इसका बाजू हम कमीज का बाजू इसके ऊपर रख के इसको कट कर देंगे। ये इसका बाजू हमने नाप से थोड़ा सा खुला बनाना है, इसलिए हम इसकी कटिंग थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। मतलब इसकी पैमाइश हम थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। ये थोड़ा सा हमने खुला बनाना है। ये व्यूवर्स, ये हम इसकी कटिंग थोड़ी सी ज्यादा रख देंगे। इसके आर्म होल का हम ये काट रहे हैं, ये देखें, और ये बीच में निशान लगा लेंगे ताकि हम शोल्डर के हिसाब से इसके ऊपर से सिलाई लगाएं। व्यूअर्स, ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत आसान और बहुत सिंपल आपको सिखाई है। व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।